21वीं शताब्दी के इस युग में तकनीकी, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक विकास और वैश्वीकरण की अवधारणा के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा मिला है और इसी ने शिक्षण को एक व्यवसाय की संज्ञा दी है और व्यवसाय की समस्त लक्षण जो भी उनमें ऊपर पड़े हैं वे सभी शिक्षण में दिखाई देते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अपने शिक्षण के व्यवसाय को अपनाने से पूर्व वह विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो बहुत लंबा होता है। और सत्र 2015 के अनुसार एनसीटी ने जो नियम बदले हैं उसमें 2 साल तक का प्रशिक्षण एक शिक्षक को अपनी सेवा में आने से पूर्व ही प्राप्त करना अनिवार्य है। अब शिक्षक अपने ज्ञान, प्रशिक्षण और कार्यानुभव को इस प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त करता है ताकि उसे उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास हो सके। प्रशिक्षण के दौरान ही उसे विभिन्न प्रकार के कौशल, विधियां, नवाचार और मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियों से अवगत कराया जाता है ताकि वह शिक्षक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से पालन कर सके। शिक्षक एक आदर्श व्यक्तित्व है और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान भी देता है, साथ ही भावी पीढ़ी के भविष्य का निर्माता भी है। अतः प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक को अपनी प्रशिक्षण अवधि में इन समस्त ज्ञान, प्रशिक्षण और कार्यानुभव को सीखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए और साथ ही अपने इस व्यवसाय के प्रति कर्तव्यबद्ध और निष्ठा से अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए। इसके लिए अब कुछ आचार संहिताएं बनाई गई है, उनमें सबसे पहला है व्यावसायिक प्रशिक्षण। अध्यापकों के लिए आवश्यक है कि पूर्ण रूप से वह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हो। प्रशिक्षण के दौरान उसे शिक्षण से संबंधित विभिन्न विधियों, प्रविधियों, नवाचारों, तकनीकों का प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है, तभी वह एक प्रभावशाली शिक्षण कार्य करा सकता है जो उसे प्रशिक्षण अवधि में ही प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा इसमें आचार संहिता में है कि वह विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। शिक्षक का उद्देश्य एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है और उसके लिए विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विषय वस्तु का ज्ञान ना होने के कारण कभी कभी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के समक्ष लज्जित भी होना पड़ता है, इसलिए ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए उसे अपने विषय पर कमान होनी चाहिए। तीसरा इसमें है कि व्यवसाय के प्रति निष्ठा। शिक्षक को अपने इस शिक्षण व्यवसाय को एक बोझ या एक अंतिम लक्ष्य ना मान करके सदैव अपने व्यवसाय के प्रति कर्मठ, निष्ठावान और जागरूक रहकर अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए और अपने विद्यार्थियों के प्रति उसे समर्पित भाव से सदैव अपने शिक्षण में नवीनता लाते हुए वृद्धि करनी चाहिए। इसमें चौथा है उसे प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षण ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है और इसके लिए रिसर्च ने अपना बहुत योगदान दिया है। शिक्षक भी एक रिसर्चर है, उसे अपने शिक्षण के क्षेत्र में सदैव नए नए आयामों पर प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखते हुए नई नई खोज करनी चाहिए। साथ ही जो संसार में शिक्षण व्यवसाय के प्रति खोज हो रही है, रिसर्च हो रही है, उससे अपने शिक्षण में अपनाना चाहिए ताकि उसकी शैक्षिक कुशलताओं का विकास हो सके। इसकी नेक्स्ट आचार संहिता की बात है कि शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सदैव रुचि रखना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक, खेलकूद, नाटक, स्काउट गाइडिंग और रेड क्रॉस सोसाइटी में अपना योगदान देना तथा समाज के अंतर्गत कोई भी सेवा कार्य करना, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है और शिक्षक को सदैव सक्रिय रहकर इन कार्य को करने में रुचि लेनी चाहिए। इसकी नेक्स्ट प्रतिबद्धता है कि शिक्षक को
शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शिक्षक का कार्य केवल एक पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना भी शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है, और उसे अपने इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ये सभी बातें अध्यापक के लिए आचार संहिता के अंतर्गत उल्लेखित की गई है। शिक्षक की आचार संहिता में उल्लेखित बातों के आधार पर शिक्षक को नित नए प्रयोग अपने शिक्षण व्यवसाय में करते रहना चाहिए। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता और भविष्य निर्माता भी कहा गया है, क्योंकि शिक्षक अपनी भावी पीढ़ी में अपने ही आदर्श और संस्कार को बीजारोपित करने का कार्य करता है। जब तक शिक्षक स्वयं इन आचार संहिता में उल्लेखित बातों का ध्यान नहीं रखेगा और इनकी बातों को अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सदैव शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक वह आदर्श और प्रभावशाली शिक्षक नहीं बन सकता। अतः शिक्षक को अपने प्रभावशाली शिक्षण, आदर्श नागरिक और समाज के उत्तरदायित्व को निभाते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आज के होमवर्क के रूप में आपको एक टास्क दिया जाता है, जिसमें क्वेश्चन है कि वृत्ति या प्रोफेशन के क्या क्या लक्षण है और इसकी आचार संहिता में उल्लेखित बातों का वर्णन कीजिए, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आशा करती हूँ मेरा ये लेक्चर आज के इस समय में प्रासंगिक है, और चूँकि आप सभी छात्र अध्यापिकाएँ हैं और भावी शिक्षिकाएँ भी, तो इन सब बातों का ध्यान रख के अपना व्यावसायिक विकास कीजिए और समाज में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद।